अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये आज हम नूर महल पे अपनी अम्मी के घर के छत पर हैं और ये देखिए आप कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं सामने। ये देखिए पतंगे उड़ रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इतनी हाइट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको दिल्ली का ख्याल आ रहा होगा, कबूतर, पतंगे। बचपन में मैं अपने जामा मस्जिद के करीब जो हमारा घर है वहाँ पर दिल्ली का पतंगबाजी गुंडीबाजी दूर से दूर तक। तो आपने इतनी बचपन में पतंगबाजी करी है? हाँ। और ये कबूतरबाजी? कबूतरबाजी बहुत करी। दिल्ली तो बाजियों के लिए मशहूर है। तो अभी आप फिर से तो कबूतरबाजी करेंगे जाके? मैं नहीं करूंगा, मैं यही पालने वाला हूँ बहुत जल्दी। नहीं, मैंने सुना है आप वहाँ जाने वाले हैं अपनी बचपन वाली छत पे। हाँ, वहाँ जाएंगे दिल्ली में। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा जी, क्यों नहीं जाएंगे। तो ये देखा आपने, क्रेज खत्म नहीं होता बचपन के साथ साथ भी। देखो जामा मस्जिद नजर आ रही है, ये बच्चे खड़े हैं। वो दूर देखिए चौक की जामा मस्जिद भी नजर आ रही है। उसको जूम करने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको नजर आए। चौक की जामा मस्जिद, ये भोपाल में जो चौक बाजार है उसमें जामा मस्जिद है। इसमें जुम्मे की नमाज पढ़ने में बहुत क्राउड आता है इसमें। तो ये भोपाल की जामा मस्जिद है। मोती मस्जिद मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ व्लॉग्स में, और आज आपको मैंने ताजुल मसाजिद भी दिखाई है, और इंशाल्लाह किसी दिन अंदर से ताजुल मसाजिद दिखाऊंगी। तो ये सूरज डूबने के बाद का मंजर है। डूबा नहीं है अभी, थोड़ा सा है उसके पीछे दिख रहा है अक्स उसका, और उसकी वजह से ये फोटो कितना अच्छा बन रहा है यहाँ पे। तो पीछे का मंजर देखिए आपके, सूरज पीछे छिप गया है, काफी नीचे उतर गया है। तो उसके बाद वहाँ पे जो ये देखिए आप देख सकते हैं, तो
घनी आबादी है। यहाँ इस तरह गलियों के अंदर इतने घर होंगे कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सारे ना लाइन से हॉस्पिटल्स हैं। हम बाहर निकलेंगे मेन रोड पे जब जाएंगे तो पूरे हॉस्पिटल्स हैं लाइन से। ये हॉस्पिटल्स का बैक साइड है सारा और ये मस्जिद का फ्रंट है और फिर हमीदिया हॉस्पिटल का।